है hey गाइस आपका हमारे चैनल में स्वागत है अनरीचेबल में तो आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी अमेजोन प्राइम में ब्लैंक वीडियो दिख रही है जब भी आप किसी वीडियो पे दिखा दिख, क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है और वो वीडियो वर्क नहीं कर रही है सिर्फ साउंड ही सुनाई दे रही है और वीडियो दिखाई नहीं दे रही है उसके विजुअल तो उसका सोल्यूशन बताऊँगा कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो कुछ स्टेप्सन को फॉलो करें और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी तो हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने जो प्ले स्टोर ऐप है उसको ओपन कर लेना है प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें अपने ऐप अप को सर्च कर लेना है यहाँ पे से आप देख सकते हो आपको सर्च कर लिया है यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा तो एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिएगा ऐप को इसके बाद सेटिंग है उसको ओपन कर लेना अपने डिवाइस में सेटिंग ओपन करने के बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग पे जाना है यहाँ पे जाने के बाद रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन देखेगा हमें तो यहाँ पे हम इनको रिसेट कर लेना है रिसेट करने से कभी कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यहाँ से बैक आ जाना है तो बैक आने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी ऐप्स में आ जाना है ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखेगा इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं हम इस पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पे हमें थ्री डॉट्स देखेंगे इन पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा रीसेट ऐप रिफ्रेंसिस का इस पर क्लिक करना और इनको रीसेट कर देना है इनको रीसेट करने के बाद यहाँ पे ऐप में हमें अपना ऐप है जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है उसको सर्च कर लेना है ऐप को मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है इसकी स्टोरेज पे आ जाता हूँ स्टोरेज पे आने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच करना है क्लियर डाटा मत करिएगा क्योंकि क्लियर डाटा से आपका जो सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसका डिलीट होने का रिस्क होता है इसके बाद ऐप परमिशन पर आना है ऐप परमिशन पर आने के बाद सारी जो परमिशन है उनको वन बाय वन इनेबल कर देना है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन यहाँ से डिनाई नहीं करनी है वन बाय वन सारी परमिशन को इनेबल कर लेना है इसके बाद अदर परमिशन का ऑप्शन देखेगा हमें यहाँ पे तो अदर परमिशन पे जाने के बाद भी यहाँ पे सारी परमिशन देखेंगी उनको इनेबल कर देना है छः सात जो भी परमिशन देखेंगी उनको इनेबल कर लेना है इसके बाद रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का ऑप्शन देखेगा और यहाँ पर यह अगर ऑफ होगा तो इनको ऑन कर देना है अगर ये ऑलरेडी ऑन है तो दो मिनट इनके लिए दो मिनट के लिए इनको ऑफ करना है और फिर ऑन कर देना है ये सब करने के बाद एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करें रिस्टार्ट करने के बाद सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें